Yo guys, what's up? So what we are going to do today? Are you expecting to have a set of images? आपको लग रहा है कि बहुत सारे स्लाइड शो ऑफ इमेजेस आएंगे जो हमारे 10 साल और 5 साल के जर्नी को दिखाएंगे? नहीं, आज हम करेंगे कुछ डिफरेंट. हम क्या करेंगे, हम ये दोनों जर्नी को रीविजिट करेंगे एज अ स्टोरी, बट मोर देन दैट एज अ रैप. फर्स्ट टाइम एवर एंड मे बी द लास्ट टाइम आप देखेंगे सुकेश मार्ला को एक रैपिंग करते हुए. सो गेट रेडी. यो यो यो, लेट्स स्टार्ट. आज करेंगे हम दिल की बात एक छोटे से रैप के साथ. मैं नहीं हूँ कोई बड़ा सा रैपर, मैं हूँ बस एक छोटा सा कोडर. नहीं आने वाला ये दिन दोबारा, आज का दिन है दिसंबर 12. लेट्स सिट बैक, टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स गो इन अ मेमोरी लेन. दोस्तों, ये जो दिसंबर मंथ है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, बिकॉज इस दिसंबर मंथ में तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मेरे लाइफ में. पहला, ये मंथ में काफी साल पहले मैं एक परमानेंट रिलेशनशिप में एंट्री किया था और वो मेरे सारे सक्सेस के लिए रीजन बन गया. कुछ साल पहले इसी मंथ मैंने मेरे कंपनी को एज एन LLP रजिस्टर किया और आज ये जो जस्ट कंपाइल LLP है ये मेरे लाइफ का एक पार्ट बन गया है. और तीसरा, हर साल इस मंथ मैं एक नया रेजोल्यूशन बनाता हूँ अगले साल के लिए जो मैं कभी फॉलो नहीं करता. तो हम ये थर्ड के बारे में तो आज बात नहीं करेंगे, बट जो बाकी दोनों हैं उसके बारे में बात करेंगे जरूर. पहली कहानी शुरू हुई शादी से पहले, 10 नहीं पूरा 16 साल पहले. पहली बार मिला उसे मैं कॉलेज में, बट मुझे हुआ प्यार उसे माथेरान में. भक्ति मैम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू वेरी मच. आप ही थी जिन्होंने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया. अगर आप हमको जबरदस्ती मातरा नहीं ले जाती तो मैं दीपल से शायद नहीं मिल पाता, मुझे प्यार नहीं हो पाता और मेरी शादी नहीं हो पाती, तो शायद जो आज सक्सेस अचीव हुआ है वो नहीं हो पाता. सो फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू वेरी मच. मुझे पता था मैं हूँ थोड़ा सा रफीरा, नहीं मिलेगी इससे बेटर दोबारा. लॉन्ग टर्म की थिंकिंग पहले से ही थी, मेरे मन में फ्यूचर प्लानिंग बन गई थी. था बेशरम, कर दिया प्रपोज, उसने कर दिया दिल का डोर क्लोज. दिन गए, रात गए, फीलिंग हुई स्ट्रॉन्गर, फाइनली मान गई 4 months later. दोस्तों, काफी कम लोग ये जानते बट जिस दिन दीपल ने कन्फेशन किया था उस दिन हम पेडाकर कॉलेज के एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और उस दिन बिकॉज ऑफ सम रीजन कॉलेज जल्दी बंद हो गया. अराउंड 2 o'clock, 2 बजे के आसपास बंद हो गया. हमको पता ही नहीं था, हम पढ़ाई करते रहे, सच में पढ़ाई करते थे. फिर 5:30 के आसपास हम वहाँ से निकले और जैसे ही हम बिल्डिंग के एग्जिट की तरफ पहुँचे तो हमने देखा पूरा गेट बंद है, मतलब हम बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते. फिर क्या था, हमने बहुत सोचा क्या करें. फिर फाइनली उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से कंप्यूटर साइंस लैब के सामने से ही फर्स्ट फ्लोर से जंप कर हमने बिल्डिंग एग्जिट किया और वो हमारा एक वन ऑफ दी एडवेंचरस थिंग था लाइफ का, ऐसा बोल सकते हो, शायद फर्स्ट एडवेंचरस थिंग था. और इस तरीके से हमारी हुई लव स्टोरी की शुरुआत. 6 साल लग गए पेरेंट्स को मनाने बट नहीं है अफसोस इस बात का हमें. शादी हुआ, बच्चा हुआ, कई साल बीत गए बट आज भी दीपल मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड है. मुझे पता है जब भी प्रॉब्लम मेरे पास आएगी दीपल मेरे साथ खड़ी होगी. मुझे पहले से ही लाइफ में कुछ बड़ा करना था, मुझे आसमान को छूना था, पता नहीं था कैसे बट इतना पता था कि करना है. मैं हर बार कुछ ना कुछ बड़ा करने गया और जब भी मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ी तब जो मुझे सबसे क्लोज लगता था वो हमेशा सबसे दूर नज़र आया, लेकिन दीपल ही एक ऐसी थी जो हमेशा बाजू में नज़र आई. कई बार दीपल को पता भी नहीं होता था कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, उसे कैसे सॉल्व करें, बट वो सपोर्ट के लिए ज़रूर आती थी. कई बार मुझे कई लोगों ने ये बताया कि कैसे मैं लाइफ को सेक्रीफाइस करता हूँ, कैसे मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं देता हूँ, कैसे मैं दीपल को टाइम नहीं देता हूँ, जो बहुत मुझे डिप्रेस किया करता था. उनको नहीं समझ रहा था कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट दीपल हमेशा ही इसका ऑपोजिट बोलती थी. अब दीपल की बातें मेरी जुबानी. तुम बस अपने टारगेट पे ध्यान देना, तुम अपने सक्सेस को अचीव करना. एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा और बाकी सब ऑफिस में बिजी होंगे. मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जो चाहिए वो सब कुछ मिला. तुम जैसे हो वैसे ही रहना, मुझे बस इतना ही है काफी. दीपल के इन्हीं सब बातों की वजह से मैं मोटिवेटेड रहा और हमेशा स्ट्रांग रहा और उसी रीज़न की वजह से मैं बहुत काम कर पाया इनिशियल पीरियड में और
और जिसकी वजह से जो आज का जो सक्सेस है वो मैं अचीव कर पाया। मुझे नहीं पता कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है कि नहीं, बट मेरे सक्सेस के पीछे दीपल का हाथ 110% है। उसने जो सैक्रिफाइसेस किए और जो सपोर्ट दिखाया उसके बिना मेरे सक्सेस इम्पॉसिबल था। मुझे नहीं लगता कि जितनी अच्छी बीवी दीपल बन पाई उतना अच्छा हस्बैंड मैं कभी बन पाऊंगा, बट फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से अब तक के 16 साल में दीपल ने मुझे सपोर्ट किया, अगले 16 साल मैं उसे सपोर्ट करूं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस टाइम आई एवर हैड। थैंक यू वेरी मच दीपल एंड लव यू अ लॉट। सो आर यू रेडी फॉर द सेकेंड स्टोरी नाउ? दूसरी स्टोरी शुरू होती है 5 साल पहले। ऐसे सबको लगता है बट सच ये है कि दूसरी स्टोरी की शुरुआत हुई 10 साल पहले। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं एक कोडर, 10 साल पहले मिला मुझे मेरा मेंटर, उसने बदल दिया मेरा वर्किंग सेंटर, छुड़ा दिया मेरा एम्प्लॉयमेंट और बना दिया मुझे कंसल्टेंट। मैं बन पाया एंटरप्रेन्योर क्योंकि मेरे साथ था एक एंकरेजर। आईटी में तो आते हैं सबको प्रॉब्लम्स और ऐसे बन गया ट्रेन आईटी सॉल्यूशंस। 10 साल पहले एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं और शिव प्रसाद सर फर्स्ट टाइम मिले और उसी टाइम के बाद से ट्रेन आईटी सॉल्यूशंस शुरू हुआ। शिव सर मेरे अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट मेंटर हैं। उन्होंने मुझे लाइफ के और करियर के हर एक कदम में सपोर्ट किया। जब भी मुझे ज़रूरत थी उन्होंने मुझे विदाउट एनी ग्रीड, बिना कोई टारगेट के हेल्प और सपोर्ट किया। मुझे अब भी याद है जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग किया करता था तब मुझे ट्रेनिंग मिले इसके लिए शिव सर अपना ट्रेनिंग छोड़ दिया करते थे। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सैक्रिफाइस कभी कर पाऊंगा किसी के लिए। शिव सर का वैल्यू मेरे लाइफ में बहुत बड़ा है, मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मैं शिव सर आपको थैंक्स भी नहीं बोल सकता बिकॉज वो बहुत ही कम होगा। आप एक ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो और बहुत काइंड हार्टेड हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉट एवर यू हैव डन सो फार फॉर मी। आपकी वजह से बहुत कुछ हुआ तो जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी थैंक यू वेरी मच। चार साल लगातार लोगों को सिखाया, काफी कोडिंग किया, काफी रिस्पेक्ट कमाया, कुछ तो कमी थी बट समझ नहीं आया, दिन रात सोचा फिर समझ में आया, अकेले से आगे नहीं बढ़ेगा ये ड्रीम, आगे बढ़ना है तो लगेगा एक टीम। काफी लोगों के साथ ट्राई किया ये मिशन बट नहीं मिला कोई भी विद सेम विजन। काफी सोचा फिर मुझे अपने ही ट्रेनिंग का एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट भी याद आया जो मैं अक्सर फ्रेशर्स को कहा करता था। मुझे लगता था कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो गीली मिट्टी जैसे होते हैं, उनको जैसा चाहिए वैसा हम शेप दे सकते हैं, बट जैसे ही वो सूखी मिट्टी बन जाते यानी कि एक्सपीरियंस बन जाते फिर उनसे शेप बनाना मुश्किल है। फिर क्या था, इसी सोच के साथ फ्रेशर्स को लेने का लिया मैंने डिसीजन, मिल गए स्टूडेंट्स मुझे विद सेम विजन। बहुत ज्यादा टफ था मेरा ट्रेनिंग स्टाइल बट सब बन गए शेयर आफ्टर अ व्हाइल। कोड को ये करते बिना एरर कंपाइल और इस तरह बन गया जस्ट कंपाइल बन गया। और जो इनिशियल लेवल पे मैंने एम्प्लॉयज हायर किए थे उनको मैंने एज अ स्टूडेंट्स हायर किया था। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि आज भी वो मेरे स्टूडेंट्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वो उन सब अपने आप को मेरा स्टूडेंट ही समझते हैं। जब कंपनी बनी थी तब मुझे नहीं पता था कि कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, मुझे नहीं पता था कि हमको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा भी या नहीं। मैंने सोचा चलो हायर कर लेता हूँ और उनको ट्रेनिंग देने लग जाता हूँ, अगर ट्रेनिंग खत्म होने तक कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ गया तो अच्छी बात, अदरवाइज एक अच्छा सोशल वर्क हो गया करके खुश हो जाऊंगा। बट
गॉड ने भी दे दिया साथ हमारा, उसे पता नहीं मिलेगा ऐसा टीम दोबारा। अच्छा काम मिलने लगा, बड़ा मजा आने लगा, एक साल बीत गया, कंपनी ग्रो हो गया। अब रह नहीं सकते प्रॉपराइटरी, बनना पड़ेगा अब एलएलपी। आज जस्ट कंपाइल को एलएलपी रजिस्टर करके 5 साल हो गए, और इन 5 सालों का जो क्रेडिट है वो मैं मेरे मॉम डैड और शिव सर के ब्लेसिंग्स को दूंगा, वो मेरे वाइफ के सपोर्ट और सैक्रिफाइस को दूंगा, बट सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा मैं मेरे उन 9 एम्प्लॉयज़ को जो सबसे इनिशियल स्टेज में मुझसे ज्वाइन हुए। उन्होंने मेरे साथ ब्लाइंडली कदम से कदम बढ़ा के चला, ना उन्होंने कभी मेरे कोई भी इंस्ट्रक्शन को क्वेश्चन किया, ना उन्होंने मुझसे कोई कभी डिमांड किया। मुझे नहीं लगता अभी भी कि आई डिज़र्व सच काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़, बिकॉज मैं ही कई बार उनके ऊपर मतलब अनइंटेंशनली गुस्सा हुआ जो मुझे शायद नहीं होना चाहिए था। बट मैं इतना बताना चाहूँगा कि उन 9 एम्प्लॉयज़ के लिए मेरे मन में हमेशा ही प्यार था, हमेशा ही बहुत रिस्पेक्ट था, और मैं अब उन्हीं 9 लोगों के बारे में कुछ बोलने वाला हूँ। E001 था तुषार, कंपनी का था वो पहला स्टार, था ऑर्गेनाइज्ड और पैशनेट, डिजर्व टू बी एवरीवन्स फेवरेट। तुषार लोने हमारे कंपनी का सबसे पहला एम्प्लॉय E001, और मैं आपको बता दूं कि जब तक ये कंपनी रहेगी E001 हमेशा ही तुषार कहलाएगा। इस बंदे के बिना कंपनी कभी शुरुआत ही नहीं होती। ये बंदा मेरे साथ ऐसे मोमेंट पे खड़ा था जब मैं बहुत प्रॉब्लम में था, हमारी पहली प्रोजेक्ट थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी उस प्रोजेक्ट में मुझे इन ऑर्डर टू डिलीवर, और तुषार जस्ट ज्वाइन हुआ था, उसके पास शायद ही कोई टेक्निकल स्किल था, फिर भी वो बंदा मेरे साथ खड़ा रहा, क्लाइंट को फेस करता रहा, क्लाइंट को आंसर देता रहा, गालियाँ खाता रहा, अपने से जो बनता वो करता रहा। आई एम रियली थैंकफुल टू यू तुषार, एंड आई विल ऑलवेज बी। एक बंदी है बड़ी निराली, जिसका नाम है मृणाली, कंपनी के लिए वो हमेशा ही अवेलेबल, नहीं देखा कभी कोई इतना रिस्पॉन्सिबल। मृणाली एक बहुत ऑनेस्ट और एक रिस्पॉन्सिबल बंदी है, और उसका जो बेस्ट क्वालिटी है वो है उसका जिद। मुझे याद है कि मैंने एक कॉम्पिटिशन रखा था, मजाक में रखा था कि मिर्ची खाने का एक कॉम्पिटिशन, मुझे लगा कि कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ऐसे ही छोड़ देंगे, बट ये मृणाली जिद से 5-6 मिर्ची खा गई और जीत गई, और बाद में इतनी रोने लग गई कि मैं टेंशन में आ गया। तभी मैं समझ गया था अगर जिद पे उतर आई तो मृणाली गूगल की CEO भी बन सकती है, समवन आई कैन बी प्राउड ऑफ। थैंक यू मृणाली। फिर आया कंपनी में एक डेंजर डॉन, जिसने किया कंपनी का हसल मोड ऑन, अपने टारगेट पे था वो कॉन्फिडेंट, कुछ ही टाइम में बन गया मेरा बेस्ट स्टूडेंट। दीपेश शिंदे हमारी कंपनी का महेंद्र सिंह धोनी है, एकदम पेशेंस और शांत, और ये मैं नहीं पूरा कंपनी बोलेगा। मेरे लिए दीपेश एक बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर है, और उसका जो एडाप्टिंग नेचर है वो एक्सेलेंट है, और इसी नेचर्स की वजह से मैं दीपेश को अपना बेस्ट स्टूडेंट समझता हूँ। डेस्पिरेट, डेडिकेटेड, मतलब जो मुझे एक मेरे बेस्ट स्टूडेंट में चाहिए था, ऑलमोस्ट हर एक को भी मुझे उसमें नजर आई। उसका एक क्विक मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। मैंने एक छोटा सा कंपटीशन रखा था जिसमें 5 लेवल था, लेवल 1, लेवल 2, ऐसे 5 लेवल के कोड थे, और एक बंदा था जो लेवल 1 कंप्लीट कर लेवल 5 तक पहुंच गया था, और वो लेवल 5 पे काम कर रहा था, और दीपेश तब भी लेवल 1 पे ही था, और जैसे ही दीपेश का लेवल 1 खत्म हो गया वो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 खत्म करके लेवल 5 भी उसने खत्म कर दिया, और वो कंपटीशन का विनर बन गया। तभी मैं समझ गया था कि इस दीपेश में ना थोड़ा अलग बात है, इसको सिर्फ स्टार्ट मिला तो बस हो जाते हैं। दीपेश थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक यू नो स्टैंडिंग विद मी होल टाइम व्हेनेवर आई नीड इट। थैंक यू वेरी मच। अगला बंदा स्टार्ट में था सबसे तेज, उसका नाम था मिस्टर परवेज, पहले किया उसने मुझे बहुत परेशान, फिर बचा ली उसने कंपनी की शान।
परवेज जस्ट कंपाइल में एज अ फोर्थ एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ। उस टाइम पे कंपनी बहुत छोटी थी और ना काम का ठिकाना था ना फ्यूचर का। इनिशियल लेवल पे परवेज परेशान भी बहुत किया करता था मुझे, बट बाद में मुझे बहुत पसंद आने लगा। परवेज पहला बंदा था जिसने मुझे ये कॉन्फिडेंट दिलाया कि एज अ स्टार्टअप भी हम लोग एक सुपर टैलेंटेड टीम बना सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम रियली थैंकफुल टू यू परवेज फॉर एवरीथिंग यू हैव डन सो फार फॉर जस्ट कंपाइल एंड फॉर मी। फिर कंपनी में शुरू हुआ एक ट्रेंड, दोस्त ने किया धीरज को रेकमेंड। धीरज को नहीं पता था फॉर लूप, ना लिख पाता था वो प्रॉपर इफ लूप। बहुत परेशान किया उसने स्टार्ट में, बट फिर बन गया स्मार्ट नो टाइम में। मैंने किया मोटिवेट बहुत लोगों को, बट उसने किया मोटिवेट मुझको। धीरज जस्ट कंपाइल में एज अ फिफ्थ एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ और वो ज्वाइन होने से पहले 4 या 5 साल तक बैक ऑफिस में डेटा एंट्री का जॉब करता था। उसको शायद ही कुछ टेक्निकल स्किल्स था और पता नहीं, मुझे तो गारंटी भी नहीं था कि वो कुछ कर पाएगा कि नहीं। सोचा कि कोशिश करता हूँ और वो आज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट है जितने भी मैं लोगों को जानता हूँ उनमें। धीरज ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि अगर कोई इंसान ठान ले कुछ करने का, अगर वो डेडिकेटेड हो तो वो आराम से डेवलपर बन सकते हैं। धीरज की वजह से ही मैंने कई सारे और लोगों को कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ दिया जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से थे। उन सब का जो करियर का जो क्रेडिट जाता है वो धीरज को ही जाता है। इट्स ट्रू धीरज, यू आर वन ऑफ देम हु मोटिवेटेड मी। थैंक यू वेरी मच। छठवे नंबर पे आई मिस रोहिणी, करती थी वो कोडिंग में अनहोनी। रहती थी वो कंफ्यूज, बट फिर करने लगी सबका बल्ब फ्यूज। रोहिणी जब कंपनी में पहली बार ज्वाइन हुई तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि रोहिणी कैसी है। थोड़ा टाइम लगा, फिर समझ आया कि रोहिणी एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक इनोसेंट और हम्बल लड़की है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और केयरिंग है अपने हर एक रिलेशन को लेकर। उसका दिल बहुत बड़ा है और जितना बड़ा उसका दिल है उससे भी तेज़ उसका दिमाग है। कोडिंग में वेरी सुपर, व्हेन इट कम्स टू लर्निंग न्यू थिंग्स वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। मृणाली हमेशा रोहिणी के लिए एक वर्ड बोलती है कि वो एक सर्वगुण संपन्न लड़की है। ये सच है रोहिणी के बारे में, वो रियल में एक सर्वगुण संपन्न ही है। आई एम रियली ग्रेटफुल दैट रोहिणी यू आर पार्ट ऑफ अस एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू हैव डन। फिर आया एक बंदा अलीबाग से, वो था यंगेस्ट, कोडिंग में था स्ट्रॉन्गेस्ट। मुझे लगा वो मेरा वजन है नेक्स्ट। सागर गावन अपना अलीबाग सा राजा है। तो जब सागर फर्स्ट टाइम जस्ट कंपाइल में आया इंटरव्यू के लिए तो ऑनेस्टली मुझे पूरा भरोसा था कि वो ज्वाइन ही नहीं करेगा, बिकॉज एक जो फ्रेशर में स्किल्स में एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें सब कुछ था, लॉजिकली टेक्निकली सब कुछ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों एक बंदा ऐसे छोटे से कंपनी को ज्वाइन करेगा। बट उसने नॉट ओनली जस्ट कंपाइल को ज्वाइन किया बट आज जो जस्ट कंपाइल लेवल पे है वो वन ऑफ द रीजन बना। आई एम रियली प्राउड ऑफ सागर यू। सागर आज वो सारे काम कर रहे हैं जो मैं किया करता था, इतना तक कि वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। वो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं उन बंदों का जो उससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है आज। आई डोंट हैव मच वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ स्मार्ट सागर इज। जस्ट वॉन्ट टू से सागर थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जस्ट कंपाइल और अब तक रुकने के लिए। राजस्थान का है एक छोरा, रहता है जो चुप चुप सा। हिडन टैलेंट है इस बंदे में, आसानी से कोई भी ना समझे। होप सो आप सबको समझ गया होगा कि कौन है वो राजस्थान का छोरा। वो है हमारा मुकेश फुलवरिया। अगर कभी जस्ट कंपाइल में अवार्ड सिस्टम निकला और तो सबसे शांत बंदे का अवार्ड मिलेगा मिस्टर मुकेश को। जितना शांत वो सब चीजों में है उतना ही जोरदार है काम और कोडिंग में। एक बार
हमने एक कोडिंग का कंपटीशन रखा था जिसमें वो रनर अप बना, एक बार एक चेस कंपटीशन था जिसका वो विनर बना। आई एम रियली प्राउड दैट मुकेश यू आर वर्किंग विथ मी, आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू वेरी मच। कंपनी में आई बंदी प्रीति नाम की, रहने वाली थी वो अंधेरी की, उसने लिया एक घर डोंबिवली में, बट पढ़े रहती थी वो अंधेरी में, हार्ड वर्क में वो टॉपर है, बट कंपनी की वो बेस्ट नेगोशिएटर है। जितना रिस्पेक्ट प्रीति मुझे करती है, मुझे डाउट है कि उतना रिस्पेक्ट मुझे कोई भी करता है। इट इज टू मच, शी ब्लाइंडली ट्रस्ट मी इन एवरीथिंग। मैं जो भी उसे काम दूँ, जो भी उसे करने बोलूँ, वो चुपचाप विदाउट एनी क्वेश्चन वो करने लग जाती है। मुझे खुद को नहीं समझ में आता कि क्यों है उसका इतना अफेक्शन मेरे साथ। आज जिस पोजीशन पे या जिस लेवल पे प्रीति इस कंपनी में है, मैं कभी भी उस पोजीशन में किसी और को नहीं रखना चाहूँगा। कंपनी के ग्रोथ में प्रीति का हाथ बहुत ज़्यादा बड़ा है। कई बार कई ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ पे मुझे लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, बट प्रीति ने बोला कि लेट्स ट्राई, और उसने वो कर भी दिया। जस्ट कंपाइल का जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, उसकी ग्रोथ में तो मैं प्रीति का परसेंटेज 70-80% मानूंगा, मेरा सिर्फ 10-20% था। थैंक यू वेरी मच प्रीति फॉर वर्किंग और फॉर बीइंग इन जस्ट कंपाइल। दोस्तों, ये अप्रिशिएशन वीडियो इनकम्प्लीट होगा अगर मैंने दो और एंटिटीज को थैंक्स नहीं बोला। उसमें से एक है मेरा सीए नीरव शाह। नीरव ने पिछले 10 सालों से मेरे कंपनी में अकाउंट्स को उस तरीके से संभाला जैसे कोई अपने घर का संभालता है। रात के 12 बजे हो या सुबह के 5 बजे, मैं अगर कॉल करूं तो नीरव हमेशा कॉल के लिए अवेलेबल। मैं टेंस टू तो नीरव का एक स्टेटमेंट, नीरव का एक आंसर मेरा सारा टेंशन दूर कर देता था। आज जस्ट कंपाइल जो भी लेवल पे है, अगर नीरव नहीं होता तो वो इस लेवल पे नहीं आ पाता। थैंक यू वेरी 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 मच नीरव। आप हमेशा बोलते हो कि आई एम लाइक योर ब्रदर, बट मैं डायरेक्ट ना बोलूँ तो भी आई ऑल्सो थिंक द सेम। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल नेवर फॉरगेट यू। दूसरा एंटिटी है पाई टेक्निक्स, जो मेरा फर्स्ट एम्प्लॉयर भी है, जहाँ पे मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया। पाई टेक्निक्स के डायरेक्टर श्यामल स्वाली, वो मेरे लिए मेरे मेंटर जैसे हैं। उन्होंने मुझे जितना कंपनी के काम में हेल्प किया, उतना शायद ही कोई कर पाएगा। मैंने इनिशियल लेवल पे बहुत सारी गलतियाँ की एज अ कंपनी ओनर एंड एज अ कंपनी। उन्होंने हर एक गलती में मेरा साथ दिया, मुझे गाइड किया, मुझे सजेशन दिया। श्यामल सर को शायद ही मैं अपनी जिंदगी में कभी भूल पाऊंगा। श्यामल सर, थैंक यू वेरी 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 मच फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर जस्ट कंपाइल, फॉर ट्रेन आईटी सॉल्यूशंस, फॉर ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ जस्ट कंपाइल एंड फॉर सुकेश मारला। आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस अप्रिशिएशन सेरेमनी बाई सेइंग सॉरी टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, जिसको मैंने अनइंटेंशनली अपसेट किया होगा। मेरे मन में हर एक के लिए सिर्फ और सिर्फ गुड थिंकिंग है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे लिए काम करते हैं या मैं जिसके लिए काम करता हूँ, वो हैप्पी रहे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड सॉरी इफ आई एवर हर्ट एनी ऑफ यू। बाय बाय, कोडर आ गया। नहीं आने वाला ये दिन दोबारा, आज का दिन है दिसंबर 12। Now it's time to say goodbye to rapper and welcome back the coder.